के लापता हुए 3 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लापता पायलट की कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा चाहिए मुझको, मेरा बेटा चाहिए। 13 लोग है उसमें, वे सब मेरी माँ जैसे, जैसे मेरा बेटा है, चाहिए हमें सबको। ये जो आप आंसू देख रहे हैं वो एक माँ का दर्द है, जिस माँ का बेटा देश की रक्षा करने गया हो, लेकिन अब उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। एक माँ का दर्द उठना स्वाभाविक है। दरअसल इस माँ का बेटा पिछले 72 घंटों से लापता है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं आई है। सरकार के अनुसार उसकी अंतिम लोकेशन चीन बॉर्डर के पास देखी गयी थी। इससे ये भी हो सकता है कि वे चीन पहुँच गया हो और वहाँ चीन की सेना ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो, लेकिन सैनिक की मां को यकीन नहीं हो रहा है कि उसका बेटा दुश्मन के जाल में फंस गया होगा। सैनिक की मां सरोज ने रोते रोते बताया है कि अब तक कार्रवाई के बारे में बार बार यही कहा जा रहा है कि सर्च अभियान जारी है, धैर्य रखो। पीएम मोदी से मांग की है कि विमान को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, सर्च अभियान तेज किया जाए, मैन पावर बढ़ाई जाए। मेरा बच्चा चाहिए मुझको, मेरा बेटा चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती। मुझे भरोसा उठ जाएगा, हमने इतनी अच्छी तरह से जिंदगी अपनी काटी है, उससे सब कुछ अच्छा है, सब होता है। अब ऐसे करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? हमारा बच्चा चाहिए, मेरा बेटा वोट देने आया। मम्मी मैं मोदी जी को चुनूंगा, वोट डाल के गया मेरा बेटा, मोदी जी डाल के गया वोट। मोदी जी से मैं यही कहूंगी, मेरे बच्चे को चाइना में है तो आई जाए तो चाइना से लाओ, जैसे भी आई जैक हो या पकड़ा हो या उतरा हो, जिस तरह से भी हो, मेरे बेटे को ले आओ। क्या पता वो किस हालत में है। आज 3 दिन से मेरे कान तरस रहे हैं, मेरा बेटा। दरअसल विमान में 13 लोग सवार थे। सवाल उठता है कि पहाड़ियों में अगर विमान है तो उसे ढूंढा जाए या फिर उस माँ को जवाब दिया जाए जिसने अपना बेटा माँ भारती की रक्षा के लिए भेजा था, वो कहाँ है? यही बात सैनिक की माँ भी बोल रही है। माँ का कहना है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा सारा परिवार सेना में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा बेटा चाहिए। मेरा बेटा वोट डालने के लिए आखिरी बार पलवल आया था, कहा था कि मोदी को वोट देने आया हूँ। माँ सरोज ने कहा कि मोदी जी कुछ भी करें, विमान ढूंढने में तेजी लाए, इतने दिन बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता तो हमारा भरोसा टूट जाएगा। पायलट आशीष तंवर के चाचा शिवनारायण तंवर ने बताया है कि मदद तो मिल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आउटपुट निकल कर सामने नहीं आ रहा है। विमान अगर क्रैश होता है तो मलबा तो मिलता, अभी तक विमान का पता नहीं चला है। पर उम्मीद तो है, हाँ मदद तो हो रही है, चल रही है, मगर अब ऐसा लग रहा है कुछ जैसे, अब जैसे आप मीडिया में दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मगर वहाँ फिजिकली हम देखते हैं तो इतना कुछ नहीं है वहाँ पे ऐसा, और सरकार की तरफ से कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा, इनपुट आ ही नहीं रहा। जब ऐसा लग रहा है कि वो क्रैश होता तो कहीं वहीं मिलता जहाज चाइना में पहुँच गया, और चाइना वालों से अभी कोई भी बात सरकार ने नहीं की है, या किए तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं दिया ऑथेंटिक। दरअसल AN-32 एयरक्राफ्ट ने सोमवार 12:25 पर असम स्थित जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी। लापता हुए विमान AN-32 में 8 क्रू मेंबर्स थे और 5 यात्री भी सवार थे। उड़ान भरने के करीब 35 मिनट बाद विमान के रडार से संपर्क टूट गया, तभी से विमान लापता है। ओम प्रकाश गुप्ता, टोटल न्यूज, पलवल।